नमस्ते दोस्तों, वैदिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने खेत में लगे हुए कुछ टमाटर के पौधे दिखाने जा रहा हूँ। इन पौधों को मैंने जैविक खेती करके उगाया है, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पौधे लगभग 75 दिन के हो चुके हैं और एक पौधे में लगभग 70 से 72 टमाटर के फल आ गए हैं। अगर आपको भी जानना है कि मैंने किस जैविक खाद का प्रयोग किया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये हमारे यहाँ एक किस्म मिलती है नवभारत, जिसे मैंने मार्केट से लिया था। मैंने इस पर जीवामृत का प्रयोग करके ऐसा रिजल्ट पाया है। आप भी इसका प्रयोग करके अपनी फसलों में अच्छा लाभ उठा सकते हैं। मैं राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वे जैविक खाद बनाने के बारे में बता रहे थे। बस उसी को मैंने देखा और अपने खेतों में प्रयोग किया, और इतना शानदार रिजल्ट मुझे देखने को मिला। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। एक किलो पीपल की मिट्टी मिलाकर इसे छांव में रख दें और यह 15 दिन बाद उपयोग करने युक्त हो जाएगा। इसके 1 लीटर घोल को 5 लीटर पानी में मिलाकर ही किसी भी पौधे पर छिड़कें।